तो दोस्तों, किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो आपकी आवाज़ नहीं, आपकी बात ऊंची होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है जनवरी 23, 2020, और डे है थर्सडे। बिना किसी देरी के आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 पे खबर मिलती है, सेंटर सीक्स गाइडलाइंस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ कन्विक्ट्स। गाइज, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन जाती है और वो मर्सी पिटीशन यहाँ पर हो जाती है रिजेक्ट, तो उसके 14 डेज के बाद यहाँ पर फांसी की डेट आती है। अब यहाँ पर उसी सब चीज़ों को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्रस्ताव रखा है। सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइंस फ्रेम करें टू एग्जीक्यूट डेथ पेनल्टी ऑफ कंडेम्ड प्रिजनर्स विद इन 7 डेज ऑफ रिजेक्शन ऑफ देयर मर्सी पिटीशन, कि जब मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो जाए उसके 7 दिन के, उसके 7 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर फांसी की सजा हो जानी चाहिए, डेथ पेनल्टी हो जानी चाहिए। इस पूरे केस में एक बड़ी बात बोली गई, बोला गया कि रेप जैसे हीनियस क्राइम्स यहाँ पर एक क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी या अगेंस्ट इंडिविजुअल नहीं होते हैं। वो जो क्राइम्स हैं वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी की पूरी इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा क्राइम है। इसीलिए यहाँ पर एक टाइम बाउंड डिस्पोजल होना चाहिए डेथ वारंट का। जो चारों कन्विक्ट हैं यहाँ पर निर्भया केस के अंदर, दे आर ऑन द डेथ रो सिंस 2013, बट उसके बाद बहुत बार क्यूरेटिव पिटीशन लगाई गई, बहुत बार यहां पर मर्सी पिटीशंस लगाई गई जिनको रिजेक्ट किया गया। जो कन्विक्ट्स हैं 2013 से इसी तरीके से चल रहे हैं, 2018 के अंदर एक क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट हो गई थी। तो सरकार इस चीज पे स्ट्रेस दे रही है कि आज की डेट में जरूरत है कि हम लोग कुछ नई गाइडलाइंस को फ्रेम करें इन इंटरेस्ट ऑफ द विक्टिम रेदर देन कीपिंग द राइट ऑफ द कन्विक्ट इन माइंड। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर डायरेक्शन मांग रही है टू मंडेट ऑल कॉम्पिटेंट कोर्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट, प्रिजन अथॉरिटीज इन द कंट्री, कि वो डेथ वारंट जब इशू करें यहाँ पर विद इन 7 डेज ऑफ द रिजेक्शन ऑफ हिज मर्सी पिटीशन, और डेथ सेंटेंस भी विद इन 7 डेज यहाँ पर पूरा हो जाना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 1 खबर मिलती है, इंडिया ड्रॉप्स 10 रैंक इन अ इंडेक्स नोन एज द डेमोक्रेसी इंडेक्स। गाइस, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है द इकोनॉमिस्ट की, और यहाँ पर इट्स अ ब्रिटिश मीडिया फर्म। खासकर यहाँ पर बात होती है कि किस देश के अंदर डेमोक्रेसी किस तरीके से वर्क कर रही है। जो लेटेस्ट एडिशन 2019 वाला जो अपना एडिशन आया है डेमोक्रेसी इंडेक्स का, उसके अंदर इंडिया की रैंक 10 पायदान से 10 पॉइंट से हम लोगों को गिरती हुई नजर आई। वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर है 51। गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो नंबर 1 रैंक आई है वो आई है यहाँ पर नॉर्वे की, और जो लास्ट रैंक आई है दैट इज़ द रैंक 167, जो आखिरी रैंक है वो आई है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की। तो लास्ट रैंक आई है कोरिया की, फर्स्ट रैंक आई है नॉर्वे की। अब यहाँ पर जो सर्वे है उसको पब्लिश किया गया जो कि बात करता था कि प्राइमरी कॉज ऑफ डेमोक्रेटिक रिग्रेशन वो ये है कि हमारे देश में सिविल लिबर्टीज़ थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आए। इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर था 2018 के मुकाबले 2019 में गिर गया, 2018 में 7.23 था, 2019 में वो 6.9 रह गया, जो कि 2006 से अभी तक सबसे नीचे है। जो रिपोर्ट है, अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट वॉज डन बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि एक जिसकी एक जो कि एक रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का। ओके, यहां पर इकोनॉमिस्ट ग्रुप की एक सिस्टर कंपनी आप लोग कह सकते हो, इकोनॉमिस्ट ग्रुप की सिस्टर कंपनी है द इकोनॉमिस्ट। तो इंडिया का जो ग्रेड है बेसिकली इसके अंदर देयर आर 5 इंडिकेटर्स जिनके बेसिस पे कैलकुलेशन होते हैं, जैसे इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, गवर्नमेंट फंक्शनिंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर और सिविल लिबर्टीज़। इसके अंदर आप सिविल लिबर्टीज़ में और पॉलिटिकल कल्चर में अगर आप इंडिया के स्कोर देखोगे वो बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं। जो एवरेज स्कोर है यहाँ पर
वो 5.48 था 2018 में, जो कि 5.44 हो गया 2019 में। खासकर एक बड़ा रिग्रेशन हमें लैटिन अमेरिकन और सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखने को मिला है। और यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो रिकॉर्ड करती है कि किस तरीके से ग्लोबल डेमोक्रेसी चल रही है। 65 इंडिपेंडेंट स्टेट्स को कैलकुलेट किया गया, दो टेरिटरीज को, तो टोटल यहाँ पर 167 कंट्रीज़ हैं। रिपोर्ट ने इंडिया के बारे में बात की कि इंडिया के अंदर जो आर्टिकल नंबर 370, आर्टिकल नंबर 35A को शट डाउन किया गया। इसके साथ साथ बहुत सारी ट्रूप जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। सिक्योरिटी मेजर्स के लिए हम लोगों ने सेक्शन 144 का इस्तेमाल जिस हद तक किया है, हाउस अरेस्ट हुआ है, देश में बहुत सारी और चीज़ें हुई हैं। उस वजह से, उस कारण से यहाँ पर इंडिया की जो रैंक है उसके अंदर हमें डिक्रीमेंट, उसके अंदर हम लोगों को कमी देखने को मिली है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इंटरनेट एक्सेस, जिसकी वजह से और हमारी रैंकिंग यहाँ पर घट गई। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि किन वजह से हमारी रैंक डाउन हुई। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर लेकर आई, जिस वजह से हमारी जो रैंकिंग है वो गिरी है। इसके साथ साथ पेज नंबर 11 पे सिमिलर टाइप ऑफ न्यूज़ हमारे लिए आई है कि कैसे यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सेम में डेमोक्रेसी इन रिट्रीट के अंदर। इसके अंदर जो डेमोक्रेसीज हैं उनको डिवाइड भी किया गया है, जैसे 0 से 10 के बीच में यहाँ पर स्कोर था। तो यहाँ पर अगर बोला गया कि अगर जो स्कोर है किसी भी देश का वो 8 और 10 के बीच में आया, मतलब 9 आया या 10 आया, मतलब 8 से ऊपर आया, तो उनको हम लोग बोलेंगे फुल डेमोक्रेसी। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 4.5% ही लोग हैं जो कि फुल डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं। फिर जिनके अंदर 6 से 8 के बीच में आया उनको हम लोग बोलेंगे फ्लॉड डेमोक्रेसी। तो इंडिया एक क्या है, इंडिया एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जिनकी यहाँ पर 4 से 6 है उनको बोला गया हाइब्रिड, हाइब्रिड कंडीशन में, हाइब्रिड डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। और जिनके 4 से नीचे आए वो देश हैं जो कि ऑटोक्रेसी में रह रहे हैं, और चाइना यहाँ पर, नॉर्थ कोरिया, ये सब ऑटोक्रेट देशों के अंदर आते हैं। क्योंकि चाइना की रैंक आई है 2.26, यहाँ पर चाइना की स्कोर आई है और चाइना की रैंक आई है 153। यहाँ पर गाइस एक और चीज़ आप लोग देखो कि जो सिविल लिबर्टीज़ है उसके अंदर आते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंटरनेट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिलीजियस टॉलरेंस, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स और उनकी बेसिक सिक्योरिटी। पॉलिटिकल कल्चर के अंदर आते हैं पॉपुलर सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन की सेपरेट किया जाए रिलीजन को स्टेट से। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर आते हैं यहाँ पर कंसिडर वोटर टर्नआउट, शेयर ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस। ठीक है, गवर्नेंस के अंदर बात होती है यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। प्लूरलिज्म के अंदर बात होती है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अंदर काम करें, इक्वल कंपेनिंग अपॉर्चुनिटीज मिले सबको। तो वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। पेज नंबर 8 पे खबर मिलती है मीट व्योम मित्र। व्योम का मतलब होता है गगन, हमारे जो गगनयान मिशन है उसके अंदर हम लोग 3 बेसिक फ्लाइट्स करने वाले हैं। 2 यहाँ पर अनमैन्ड मिशन होंगे और 1 यहाँ पर मैन्ड मिशन होगा GSLV Mark 3 की मदद से। यहाँ पर जो पहला अनमैन्ड मिशन 2020 के एंड में हम लोग भेजने वाले हैं उसके अंदर एक ह्यूमनॉइड जाएगा, एक यंग विमेन ह्यूमनॉइड जाएंगे जिनके नाम है व्योम मित्र। तो इसरो ने यहाँ पर अनवील किया द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट टू इंटरनेशनल गैदरिंग, और इसरो ने यहाँ पर इसको कस्टम मेड आइडेंटिटी बैज भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और डॉक्टर के सिवन ने भी बोला है कि ह्यूमनॉइड विल स्टिपुलेट दी ह्यूमन फंक्शनिंग, जो कि हमें मदद करेगा कि जब हम लोग अगस्त 2022 से पहले अपने रियल एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे तो उससे पहले हम लोग बहुत सारी रिसर्च कर पाएंगे। तो व्योम मित्र इज द रिजल्ट ऑफ ईयर लॉन्ग टॉयल ऑफ इसरोज इनर्शियल सिस्टम यूनिट, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, एक ह्यूमन रिजेम्बलिंग मॉडल बनाया जो कि हम लोग 2020 के एंड में या अर्ली 2021 के अंदर भेजने वाले हैं, ये स्टडी करने के लिए कि रियल एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा जीरो ग्रेविटी कंडीशंस का। पेज नंबर 8 पे एक और खबर मिलती है कि पोल पैनल सक्सेसफुली टेस्ट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक। इस टेक्निक को तेलंगाना के अंदर इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली जैसे आप लोग अपने वोटर आईडी कार्ड लेकर जाते हो उसी के साथ साथ आपका फेस भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके बाद आपको वोट डालने के लिए अलाउ किया जाएगा। एक अच्छा मेथड है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी हमारे देश में आती हुई नजर आएगी और जो यहाँ पर कुछ फेक वोटिंग होती थी वो कम होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने सक्सेसफुली टेस्ट किया फेशियल रिकॉग्निशन एप्लीकेशन फॉर वोटर वेरिफिकेशन एट पोलिंग स्टेशन यूजिंग रियल टाइम ऑथेंटिकेशन कैपेबिलिटीज। पेज नंबर 9 खबर मिलती है कोरोना वायरस से रिलेट करते हुए कि कोरोना वायरस के अंदर 9,156 एयर पैसेंजर्स को स्क्रीन आउट किया गया है। कोरोना वायरस के बारे में मैंने आपको बताया था, कोरोना वायरस इलनेस यहाँ पर
एक बहुत ही खतरनाक इलनेस है, चाइना के अंदर ग्रो कर रही है। दो अलग अलग कंडीशन में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि SARS और एक है MERS। SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको 2003 के अराउंड साउथ चाइना के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था, और MERS को रिकॉग्नाइज किया गया था सऊदी अरेबिया के अंदर एक कैमल के बेसिस पे। ये हम लोग नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस किस वजह से होता है, क्योंकि अभी इसका यहाँ पर जो सोर्स है, जो वेक्टर है, वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। बट इसका नाम कोरोना इसलिए पड़ा है बिकॉज इस जो वायरस को देखा गया तो इसके ऊपर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। चाइना ने जेनेटिक सिक्वेंसिंग करके कोरोना वायरस की WHO को भी प्रोवाइड किया गया। भारत सरकार ने इसके ऊपर एक बड़ा कदम उठाया था कि हमारे देश में जो लोग चाइना से हमारे देश के अंदर आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, ये देखा जाएगा कि ये जो वायरस है हमारे देश के अंदर इम्पैक्ट ना करे। मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन, रिलेट करता है ये आपके GS पेपर नंबर 2 से। बात हो रही है एंडिंग द इन एक्शन, बात हो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। गाइस, एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे देश में हम लोगों के लिए शेड्यूल नंबर 10 के अंदर आता है, जो हमारा 52nd यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। इसके अंदर टोटल चार कंडीशन होती हैं। पहली है कि अगर यहाँ पर कोई जो मेंबर है वो अपनी वॉलेंट्री गिव अप कर देता है अपनी यहाँ पर मेंबरशिप। दूसरी चीज़ आती है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर विप की बात नहीं मानता, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं मानता। तीसरी चीज़ आती है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। और उसके बाद फोर्थ चीज़ आती है कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उनको यहाँ पर निकाला जा सकता है, उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की पावर होती है स्पीकर के पास, पर हम लोगों को स्पीकर हमें अपनी पावर का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हुए कुछ सीक्वेंस में, चाहे वो महाराष्ट्र हो या कर्नाटका हो, वहाँ पर नजर आए। उन्हीं सब चीज़ों से ये आर्टिकल रिलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ लेटेस्ट डिसीजन दिए ऑन द स्पीकर। सबसे पहली चीज़ बोली कि पार्लियामेंट को यहाँ पर स्पीकर के इस पर्टिकुलर पावर को रिप्लेस कर देना चाहिए एक परमानेंट ट्राइब्यूनल से, एक परमानेंट बॉडी आ जाए जो कि इम्पार्शियल डिसीजन ले सके एंटी डिफेक्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं स्पीकर की जो पावर है उसका हस्तक्षेप करने की यहाँ पर जुडिशरी बात कर रही है। दूसरा था एक जो रूलिंग हुई थी 2006 की बेंच के अंदर, वो यहाँ पर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे देना, ये एक अननेसेसरी कंडीशन है। क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द लार्जर बेंच, जहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट यहाँ पर पावर रखेगी टू डायरेक्ट द स्पीकर टू डिसाइड द पिटीशन कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है या नहीं कर सकता। और करना है तो एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर ही करना है। क्वेश्चन यहाँ पर तब आया क्योंकि बहुत सारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने अलाउ किया था डिफेक्टर्स को कि वो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर बोलस्टर भी कर सकते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। रेफरेंस यहाँ पर एक बड़ी बेंच का आया 2016 की, SA संपत कुमार काले यादिया बेंच को, जिन्होंने बोला था कि 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वैलिड है, एंटी डिफेक्शन लॉ वैलिड है और स्पीकर का जो ऑर्डर है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। बट यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया था कि कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन होगा यहाँ पर स्पीकर के ऊपर, पर यह जरूर बोला गया था कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वुड नॉट कम इन टू प्ले जब तक स्पीकर एक ऑर्डर पास नहीं कर देते। तो यहाँ पर फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इज अ रिकॉग्नाइज स्टेट एट विच द कोर्ट कैन नाउ इंटरवीन। तो कोर्ट यहाँ पर अब ओपन कर रही है एक विंडो जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए उन केसेस के अंदर जहाँ पर स्पीकर एक्ट करने से रिफ्यूज कर देते हैं या स्पीकर एक्ट नहीं करते शेड्यूल 10 के अंदर। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 10, एडिटोरियल सेक्शन हमें देखने को मिलता है, बात करता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में। गाइस, हम लोगों ने GM क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया। GM क्रॉप्स बनती कैसी हैं, यहाँ पर दो अलग अलग क्रॉप्स के जीन्स को मिक्स करके एक मैनुअल मिक्सिंग कहते हैं, जिससे हम लोग एक ऐसा जीन स्ट्रक्चर लेकर आएँ, एक ऐसे सीड बनाएँ, ऐसी क्रॉप बनाएँ जो कि यहाँ पर हमारे मनचाहे ट्रेट से बनी हो। जैसे हम लोगों ने BT कॉटन बनाई, BT कॉटन हाइब्रिड्स हम लोगों ने क्रिएट करी जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हैं। तो हम लोगों ने BT कॉटन हाइब्रिड्स बनाई जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हैं, जिनको 2002 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो BT कॉटन हाइब्रिड्स हैं ये हमारे देश का 95% ऑफ द एरिया को कवर करती हैं इन टर्म्स ऑफ कॉटन, और ज़्यादातर ये जो सीड्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिलती हैं।
हमारे देश की जो कॉटन प्रोडक्शन है 2019 के अंदर वो सबसे ज़्यादा ऊपर रही, और लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2020 में हम लोग नंबर 1 कॉटन प्रोड्यूसिंग यहाँ पर कंट्री बन जाएंगे। ऑल्दो हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बीटी कॉटन का जो रोल है वो हमारे देश की कॉटन प्रोडक्शन में बढ़ता जा रहा है, जिसमें यहाँ पर जो जीएम प्रोपोनेंट्स हैं वो ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारे देश को इसकी वजह से खतरा है। एग्रेरियन डिस्ट्रेस यहाँ पर बढ़ सकता है, खासकर पुअर फार्मर्स के अंदर। देखो मैंने आपको बताया कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्ल्ड से लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, चाइना को हम लोग आउट पास कर देंगे, पर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी मतलब यील्ड पर यूनिट एरिया, वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री की है। अब प्रोडक्शन का मतलब टोटल कितनी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्टिविटी का मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्रोडक्शन हो रही है। इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि ग्रो करती है कॉटन को एज अ हाइब्रिड्स, और एंड द फर्स्ट टू डेवलप अ हाइब्रिड कॉटन बैक इन 1970। हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है, दो पेरेंट स्ट्रेन्स को लेकर अपने मनचाहे जेनेटिक करेक्टर उसके अंदर इवॉल्व किए जाते हैं। जो हाइब्रिड कॉटन सीड्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, बिकॉज में मैनुअल क्रॉसिंग की ज़रूरत होती है, और ख़ास बात होती है कि हमारे देश में लो कॉस्ट ऑफ मैनुअल लेबर उसको बहुत इकोनॉमिकली वायबल बना देती है। बट उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, हर बार नई सीड्स खरीद के ग्रो करनी पड़ती हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी और वैरायटी के बीच में, जो कि यहाँ पर सक्सेसिव जनरेशन में चलती जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर फार्मर्स को हर बार परचेज करनी पड़ती है, तो ये हमारे जो गरीब किसान हैं उनके लिए एक बेटर रिसोर्स नहीं है। हाउएवर फॉर कॉटन अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूजिंग हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ कॉम्पैक्ट वराइटीज़ हैज़ बीन यूज। इसके साथ साथ इसके अंदर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर फर्टिलाइजर्स का और मैन्योर का। पेस्ट रेजिस्टेंट तो ये खुद ही होती हैं। फॉर ओवर 3 डिकेड्स मोस्ट सेंचुरीज हैव बीन ग्रोइंग कॉटन वेराइटीज़ दैट आर कम्पैक्ट एंड शॉर्ट। और ये जो हैं, खास बात ये होती है इन वेराइटीज़ की कि दे आर प्लांटेड एट वेरी हाई डेंसिटी, कि 5 kg सीड्स पर एकड़। वेर एज जो हाइब्रिड होती हैं इंडिया के अंदर वो थोड़ी बुशी होती हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन होती हैं और 10-fold लोअर डेंसिटी की होती हैं। अगर इनको कंपेयर किया जाए तो कॉटन एक ड्राई लैंड क्रॉप है, और हमारे देश में 65% जो एरिया है वो रेन फेड एरिया है, और फार्मर्स जिनके पास इनसफिशियंट एसेस है ग्राउंड वाटर का, पूरी तरीके से रेन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। खासकर कॉटन के अंदर बात होती है कि जब उनकी कॉटन बॉल्स डेवलप होती हैं उस समय सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एडवांटेजेस ऑफ द कॉम्पैक्ट वराइटीज़ बहुत हैं ओवर द हाइब्रिड वराइटीज़, खासकर मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्टिविटी, हाफ द फर्टिलाइजर, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, लेस वल्नरेबिलिटी होती है। अगर हम लोग ग्रांट करें दैट इंडिया वुड हैव बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट कॉटन वराइटीज़ एज सपोर्ट बाय एविडेंस, एक बड़ा सवाल आता है कि हम लोगों ने दो फेज़ में डेवलप किया। पहला फेज़ इज़ दैट जीएम कॉटन, जब हम लोग ने यहाँ पर हाइब्रिड कॉटन 1980 और 2002 के अंदर डेवलप किया था, जब बाकी सारे देश HDP के अंदर चल रहे थे, हाई डेंसिटी वेराइटी के अंदर चल रहे थे, और फिर हम लोग एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ आगे बढ़े, दूसरे फेज़ की तरफ आगे बढ़े, जहाँ पर क्वेश्चन आया हाइब्रिड वर्सेस कॉम्पैक्ट वेराइटीज़। क्योंकि GM रेगुलेशंस, जब BT कॉटन के बारे में हम लोग बात करें, उनको इंट्रोड्यूस किया गया, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से इवेल्युएशन हुआ, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, हाइब्रिड वराइटीज़ हमारे सामने आई। इंपॉर्टेंटली एग्रो इकोनॉमिक कंडीशंस वेयर इट वुड बी यूज्ड शुड हैव बीन गाइडिंग फैक्टर। स्कोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडियन कॉटन फार्मर्स आज की डेट में उनके पास चॉइस नहीं है कि वो BT हाइब्रिड वराइटी यूज़ करें, जो ठीक है उन्हें वही यूज़ करनी पड़ती है, बिकॉज सब लोग वही यूज़ कर रहे हैं और मार्केट में वही अवेलेबल है। तो कुछ यहाँ पर टेक अवे हैं। द फर्स्ट टेक अवे इज़ वी मस्ट बी क्लियर कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी का आउटकम क्या चाहिए, इस हिसाब से टेक्नोलॉजी को हमें काम में लेना है, कैसे उनको काम करना है, बिकॉज इंडिया सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ऑफ GMO रेगुलेशन, जैसे CBD हुई, कार्टेगिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी हुई, ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं कि हमें GMO को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्ट करना है, सेफली सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना है। पर्पस जो है रिस्क असेसमेंट का GMO रेगुलेशन का, वो यही है कि एक्सरसाइजिंग को आसान किया जा सके और फार्मर्स के पास चॉइस हो कि फार्मर्स किन सब चीज़ों को चुन रहे हैं। तो ये आपके लिए एक आर्टिकल था। इसके साथ साथ गाइस पेज नंबर 10 पे एक और आर्टिकल GS पेपर नंबर 3 से रिलेट करता हुआ क्लाइमेट चेंज एक्शन से डील करता है। ये आला आर्टिकल आपसे डायरेक्टली ये कहता है कि जो अभी रिसेंटली एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी मैड्रिड स्पेन के अंदर, वो एक फील्ड कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुआ, बहुत डिस्कशन तो हुए बट उनका कोई यहाँ पर जवाब नहीं आया, चाहे वो फिनेंस हो, एम्बिशन हो, ट्रांसपेरेंसी हो।
इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो डेवलप्ड देश हैं, खासकर जो अमीर देश हैं, वो डिनाई कर रहे थे कि एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज हुआ ही नहीं, मतलब उन देशों की वजह से जो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो आगे बढ़े उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। अगली कॉप ग्लासगो यूके के अंदर होगी 2020 के अंदर, और उसके अंदर भी हम लोग बहुत ही कम आउटकम यहाँ पर देख पा रहे हैं, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी लेस आउटकम। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सजेशन यह है कि कम से कम एक एक्सपर्ट यहाँ पर, एक एक्सपर्ट पैनल होना चाहिए, पैरेलल एक्शन कॉप होनी चाहिए समिट, जहाँ पर जो सब स्टेट एक्टर्स हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एकेडमिक्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकें, अपने विचार रख सकें, देख सकें कि कॉप के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं या नहीं। यहाँ पर स्टेट एक्शन प्लान के बारे में बात हुई, हमारे देश की जो स्टेट्स हैं या सब स्टेट लेवल पे हम लोगों ने स्टेट एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज इंट्रोड्यूस किया, जिसके पास अपने सेपरेट क्लाइमेट चेंज सेल है, कलेबरेशन हो रहा है, डिटेल में चीज़ें यहाँ पर आपस में डिस्कशन हो रही है, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बात हो रही है। बट सवाल आता है कि स्टेट अगर अच्छे से काम करेंगे तभी हम लोग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अचीव कर पाएंगे, जो इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंदर बोला था। बट ये सब चीज़ें अचीव कैसे होंगी, फंड कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे हमारी स्टेट्स के पास, हाउ फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAPCC विल बी ऑब्टेंड इज नॉट क्लियर, और कैसे हम लोग ग्लोबली अचीव कर पाएंगे चीज़ों को। पेज नंबर 12 खबर मिलती है, कैबिनेट अप्रूव्स पैक्ट विद ब्राजील ऑन लीगल कॉपरेशन। इंडिया और ब्राजील ने यहाँ पर लीगल कॉपरेशन के ऊपर पैक्ट साइन किया है, बायलेटरल लीगल एंड क्रिमिनल कॉपरेशन के ऊपर यहाँ पर पैक्ट साइन आउट होता हुआ हम लोगों को नजर आया कि म्यूचुअल कॉपरेशन, लीगल असिस्टेंस यहाँ पर क्रिमिनल मैटर में किस तरीके से प्रोवाइड की जाए, जिससे देशों के अंदर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस बेहतर हो सके। तीनों एग्रीमेंट साइन हुए, मिनरल एंड माइनिंग, चाइल्ड बिहेवियर और एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई यहाँ पर विमेन पॉलिटिशियंस को लेकर, ट्विटर के साथ उन्होंने यहाँ पर किया है कि जो विमेन पॉलिटिशियन हैं हमारे देश में वो ज़्यादा एब्यूसिव और प्रॉब्लमेटिक ट्वीट्स फेस करते हैं, अगर US के यहाँ पर विमेन पॉलिटिशियंस को कंपेयर करो और ख़ासकर मुस्लिम विमेन्स पॉलिटिशियंस को कंपेयर किया जाए तो। इसके साथ साथ कोरोना वायरस से रिलेटेड ये एक आर्टिकल आया है, ये मैंने आपके लिए कवर कर लिया है, सारी की सारी चीज़ें उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आई हैं कि हाउ डेडली इज़ द वायरस, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है या नहीं होता है, काउंटर मेजर्स इसके क्या क्या हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ट्रेड वॉर की यहाँ पर वार्निंग दे रही है यूरोपियन यूनियन नेशंस को, मतलब आप ये कह सकते हो कि अभी तक जो चाइना के साथ चल रहा था अब वो यूरोपियन यूनियन के साथ आया है कि अगर यूरोपियन यूनियन फेल हो जाती है ट्रेड डील फाइनलाइज करने में, खासकर ऑटो के ट्रैफिक्स में, खासकर जो यहाँ पर जो ऑटो व्हीकल्स हैं, जो कार्स हैं, बाइक्स हैं, यूरोपियन यूनियन मैन्युफैक्चर होकर US में जाती हैं, अगर उनके अंदर रिलैक्सेशन देने में यूरोपियन यूनियन कामयाब नहीं होता तो यहाँ पर US उनके ऊपर भी टैरिफ्स लगा देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि ऑफर अनेबल्स डिसेबल्स ऑप्शन इन कार्ड्स। वैसे तो आपके बहुत सारे कार्ड में अनेबल डिसेबल के ऑप्शन आते होंगे आपके मोबाइल के बैंकिंग वाली यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर, तो आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को जब चाहे अनेबल कर सकते हो, जब चाहे डिसेबल कर सकते हो। पेज नंबर 14, पाकिस्तान सीक्स UN US हेल्प टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विद इंडिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यहाँ पर इंटरनेशनल पावर्स लाइक UN एंड US को हेल्प के लिए यहाँ पर गुहार की है कि वो इंडिया के साथ जो टेंशन है उसको रिजॉल्व करने में मदद करें। कहीं ना कहीं जो मदद मांगी गई है इसलिए मांगी गई है कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट के अंदर ना जा पाए। आज के सेशन में बस इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है उसको भी ज़रूर प्रेस करके देखना। सेशन को एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।